So now coming to the next topic, which is respiration in plants. So ab humne human respiration dekh liya, we have seen respiration in animals. Now we will talk about respiration in plants. Plants kaise respire karte hain ya wo kaise breathe karte hain. So we know that plants also respire. So ये तो हमें पता है कि भैया और कैसे पता है क्योंकि usually हमने ये सुना हुआ है कि हमें oxygen कहाँ से मिलती है plants से. तो हमने सुना हुआ है कि वो carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो इसका मतलब ये तो पता है कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड. सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज करते हैं एंड अपना फूड बनाते हैं, राइट. As a result of photosynthesis in plants, they release out oxygen in the environment. So as a result of photosynthesis, photosynthesis hota hai, to environment mein oxygen release hoti hai, right? All the parts of the plants can independently respire, that is they can take in the carbon dioxide and release oxygen on their own. So plants ke jitne bhi parts hai, wo independently respire kar sakte hai. The leaves of the plants have stomata present upon them, which are small pores-like structures. They allow gases exchange in the leaves. So, सबसे पहली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे leaves की. देखो यहाँ तक हमने देख लिया कि हर part अलग-अलग independently respire कर सकता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे leaves की बात करें. तो leaves में क्या बताया गया है कि leaves के जो ऊपर होते हैं, देखो ये अपने हमने पहले भी जब chapters किए हैं उसमें ये चीज हमने पढ़ी है. So basically ये repeat हो रहा है. तो क्या होता है, लीव्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं या स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमाटा. अब ये स्टोमाटा हेल्प करता है, या आप कह सकते हो वो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं, वो हेल्प करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो सकते, राइट. सो इस तरह से लीव्स रिस्पायर करते हैं. अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाकी पार्ट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं. So let's continue. अभी हमने leaves की बात करी. Now we'll talk about, देखो leaves तो हम सबको पता था कि leaves की help से respiration होता है. But now you will also know that the woody stems of the plants also respire. जो हम plants देखते हैं उसकी जो wooden stems होती हैं वो भी respiration करती हैं. वो कैसे करती हैं? Let's read it out. This is because of the presence of special tissues called lenticels. So lenticels नाम के tissues होते हैं stems के अंदर जिसकी help से रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब जो ये टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं. दे एग्जिस्ट एज डेड सेल्स ऑन वुडी प्लांट्स एंड रूट्स एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो वो एक तरह से डेड सेल्स की तरह होते हैं लेकिन वो अलाउ करते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके. सो मीन्स ये टिश्यू बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से रेस्पिरेशन हो पाएगा. सो द बार्क ऑफ ट्रीज ऑल्दो इज इम्पेरिएबल टू गैसेस, हेंस दीज टिश्यूज सर्व एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन दी स्टेम्स. नाउ इम्पर्मिएबल मीन्स कि अब जो वुडन स्टेम है वो अलाउ नहीं करती कि कोई भी फ्लूइड या कोई गैस पास थ्रू हो सके. सो देयरफॉर इट इज दीज टिश्यूज जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है. As the name suggests, lenticels have a lens-like shape. So, जैसे कि इसका name है lenticles, so यहाँ से ही पता चलता है हमें कि जो इसकी shape होती है, it is like a lens. तो वो lens की तरह उस tissue की shape होती है. अब बात करते हैं roots की. तो हमने देख लिया leaves respiration करती हैं, wooden stem भी respiration करती है. Now, the roots of the plants have hair-like structure on them. Hence, they can absorb the air present in the soil. अब क्या करते हैं, जो roots है वो कैसे respiration करती है, उनमें भी hair-like structure होता है. And वो कहाँ से respiration करती है, soil में से. Because roots ऊपर तो नहीं होती, तो atmosphere से तो नहीं कर सकती. Roots होती है underground. Means वो soil में से जो gases होती हैं उनको absorb कर सकती है. So वहां से वो respiration करती है. ओके, सो ये था हमने यहाँ पे पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.